मैं कहूंगा युवा शक्ति करे पुकारते हैं आपकी बार राजकुमार। युवा शक्ति करे पुकार आपकी बार राजकुमार। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राजकुमार सैनी जैसा हो। राजकुमार सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। राजकुमार सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राजकुमार सैनी जैसा हो। भाइयों और बहनों, आज का ये जो कार्यक्रम था, ये सरदा गांव जो जिला कैथल में पड़ता है, कल वहां पर माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी का प्रोग्राम था 14 तारीख को। 14 सितंबर का प्रोग्राम था, लेकिन उस गांव के अंदर 6000 वोट थे, 6000 वोट है, जिसमें से 1500 एक विशेष जाति के हैं और 4500 35 बरादरी के हैं। उस एक विशेष वर्ग के लोगों ने उस 35 बरादरी की जो इच्छाएं थी, जो उनकी समस्याएं थी, जिन समस्याओं को सुनने के लिए माननीय सांसद जो कुशेत्रा के संसदीय क्षेत्र के अपने गांव के अंदर समस्याएं सुनने के लिए आ रहे थे, उनके आने से पहले ही वहां पर आयोजकों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, टेंट फाड़ दिए गए, टेंटों को आग लगा दी, कुर्सियां तोड़ दी। लोकतंत्र सुरक्षा मंच पानीपत इसकी कड़ी निंदा करता है। ये जो लोकतंत्र की हत्या गांव सरदा जिला कैथल के अंदर हुई है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस के मौजूद होने के बावजूद उन गुंडों को इतनी छूट दी गई कि सरेआम वो गाली गलौज करे, मारपीट करे, कुर्सियां पत्थरबाजी करे, पत्थर मारे, चोटे मारे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और हमारे माननीय सांसद जो अपने लोकसभा क्षेत्र के गांव के अंदर गरीब लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जा रहे थे, उनको नजरबंद कर दिया। तो क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं आपको आज इस आयोजन के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ, प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, CID के भाई भी मेरे यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री के कान खोल दे कि अगला जो प्रोग्राम है, जब भी माननीय सांसद कहेंगे, उसी गांव के अंदर होगा और उसके उसी गांव के अंदर होगा और वहीं पर होगा। और जिसने भी अगर उसको खराब करने की कोशिश की, तो जो भी उसका रिजल्ट होगा, उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार हो गई। और हमारे माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी को जेट प्लस सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। जब डोंगी और फ्राडी बाबों को, राम रहीम जैसों को जब जेट प्लस सुरक्षा दी जाती है, तो हमारे माननीय सांसद जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 36 बरादरी का जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, उसकी खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। तो जिसे लोकतंत्र सुरक्षा मंच पानीपत के कार्यकर्ता, पानीपत के पदाधिकारी किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे हमें जी जान लगानी पड़ जाए। जय हिंद, जय हिंद। लोकतंत्र सुरक्षा मंच जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। राजकुमार सैनी जिंदाबाद। लोकतंत्र सुरक्षा मंच जिंदाबाद। सैनी साहब, रितेश जी, शर्मा जी, अगला प्रोग्राम सेरदा गांव के अंदर होगा, हम सब वहां गांव में पहुंचेंगे, बता देना। अगला प्रोग्राम जो है गांव सरदा, जहां इन उपद्रवियों ने उपद्रव करके वहां अंत तक में चाह के लोगों को डराकर कैंसर करवाने की कोशिश करी, उसी गांव के सांसद का होगा। और उसमें पूरे हरियाणा, पानीपत के हम ही सभी कार्यकर्ताओं समेत वहां पर पहुंचेंगे।
और जिसने भी उस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करी, उसको कैंसिल करवाने की या कोई भी उपद्रव करने की कोशिश की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। मैं यहाँ खड़े हुए सीआईडी वाले भाइयों के मार्फत सरकार को, मुख्यमंत्री का कान खड़े कर देना चाहता हूँ कि उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और उन गुंडों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला जाए। और सभी बहनों का और सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद। आप आगे भी ऐसे ही और सांसद सैनिकों हर हाल में जन पलक सुरक्षा